स्वर्गीय सरोज कुमारी सिंह पत्नी स्वर्गीय अर्जुन सिंह की जीवन संगिनी द्वारा बघेली मुहावरों की संकलित पुस्तक विंध्य की बेटी मुहावरों से सजी ममता का विमोचन घनश्याम सिंह एडवोकेट के मुख्य आतिथ्य और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति के कर कमलों से मानस भवन में संपन्न हुआ। सरोज कुमारी सिंह की पुत्री वीणा सिंह द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन करवाकर बघेली बोली को प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से निःशुल्क वितरित की गई। विमोचन कार्यक्रम का आरंभ अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। उसके बाद संस्कृति महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा मां सरस्वती की मनमोहक वंदना प्रस्तुत की गई। वीणा सिंह द्वारा उपस्थित अतिथिगणों एवं जन समुदाय का स्वागत भाषण द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। पुस्तक के विषय प्रवेश को नागेंद्र सिंह कमलेश जी द्वारा उपस्थित अपार जन समुदाय के बीच में बहुत ही मनभावन ढंग से प्रस्तुत किया। प्रथम वक्ता के रूप में डॉक्टर दिनेश कुशवाहा ने मुहावरों के महत्व से अवगत कराया, जाकर अर्जुन सिंह एवं सरोज कुमारी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। करने गए थे कि कोई आगे इंडस्ट्री लाना है, हम लोग आते थे कि नेता लोग आते हैं बिछड़ के चले जाते हैं और भूल जाते हैं। तो आखिर में मैंने उसे सबसे कहा कि आप जो बोल रहे हैं वचन निभाना, और नहीं तो मैं आपको अमेरिका के शिकागो में आपके ऊपर केस फाइल करूंगा। वो इतने अचंभे में रह गए कि इतने में क्या होंगे। उन्होंने आकर के भाभी जी को बताया तो उन्होंने वैसे मिलने की इच्छा जाहिर की। मैं होटल में गया और पहली मेरी मुलाकात उस समय इस परिवार से हुई थी। उसके बाद से हमारे अच्छे संबंध रहे और कई अनुभव ऐसे मैं ज़्यादा समय ले लूँगा। बड़े बड़े वक्ता बैठे हुए हैं तो मैं बहुत शॉर्ट में अपने अनुभव को शेयर करूँगा उनसे। इसके बाद में वो हमको ज़्यादा समझती हूँ और यथावासी दिखाई पड़े जो कल्पन होंगे। मैं इस पुस्तक के बारे में उसके दो हिस्से, एक तो सरोज विद्या का के संबंध में तमाम निर्माण से हैं, बड़े बड़े प्रबुद्ध लोगों के प्रसिद्ध लोगों के समाज के प्रवर्तक लोगों के, और एक संग्रह मुहावरे का है जो मेरा ख्याल है कि एक दिन संग्रह किया मगर होगा।